मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सातवीं कक्षा के अंतर्गत जो आपके लिए एक अध्याय है जिसका नाम है बसवण्णा, बसवा कहते हैं बसवण्णा, जो इन्हें जो है कर्नाटक के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक और बुद्धिजीवी भी कहा जाता है बसवण्णा जी को। इनके जो वचन हैं ना केवल जो है दक्षिण भारत के लिए सीमित हैं, पूरे भारत के लिए इनके जो वचन हैं प्रसिद्ध हैं। और इनके वचनों में सामाजिक सुधारता देखने को मिलती है। और ना केवल इनकी जो आगे की दृष्टि थी वह हमारे भारत देश तक ना सीमित रहे, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो है अमेरिका में विश्व गुरु बसवेश्वर जी का एक वहाँ पर मूर्ति का जो है उद्घाटन किया था, जो आप वार्ताओं में देखे होंगे। तो इनके बारे में कहना है तो बसवण्णा जी, और एक बहुत बड़ी बात है जो इनका जन्म जो है इसी जिले में, जो सैनिक स्कूल बीजापुर जो है ये बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, तो इसी जिले के अंतर्गत यहाँ पर एक तालुका है वहाँ पर इनका जन्म हुआ, उस तालुके का नाम है बसवन बागेवाड़ी। तो विश्व गुरु समाज सुधारक बड़े जन्म इनका जो जन्म है 1105 ईस्वी में बसवन बागेवाड़ी, जो बीजापुर जिले कर्नाटक में राज्य में आता है। तो बसवन बागेवाड़ी जो है आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बहुत ही नज़दीक है, यहाँ से केवल 30 से 35 किलोमीटर है बीजापुर से। और ये है कूडला, जो बसवन बागेवाड़ी में बसवेश्वर जी का मंदिर है वहाँ पर, और इनका यहाँ पर जन्म हुआ कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है कूडल संगम कर्नाटक में आता है, ये भी जो है बीजापुर जिले में ही आता है कूडल संगम, जहाँ दो नदियों का यहाँ पर संगम होता है वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी यानी लिंगैक के वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। और बसवेश्वर जो हैं इनके बारे में थोड़े बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे अभी। गुरु बसवा, कन्नड़ के बसवण्णा कहे जाते हैं या बसवेश्वर कहे जाते हैं, जो कन्नड़ में बसवेश्वर, इनका जन्म जो है 1134 से 1996, एक दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे, समाज के सुधारक थे। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और अनुशासन के विरुद्ध संघर्ष संघर्ष किया। उन्हें विश्व गुरु और भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बसवेश्वर जैसे दक्षिण भारत में प्रमुख हैं, यह 11वीं और 12वीं शती में जो है इनका समाज सुधार का जो काम है आगे बढ़ा है। जैसे उत्तर भारत में कबीरदास जी हैं, उन्होंने भी जो है समाज सुधारक के काम किए हैं, वहाँ पर छुआछूत हो या आडंबरता हो उसको तीखा जो चोट है वहाँ पर उन्होंने किया है। उसी प्रकार यहाँ भी जो है सुधार, धर्म में जो सुधार है यहाँ भी कोशिश करने की जो है काम जो है बसवेश्वर जी ने किया है। और भक्ति के भंडारी कहा जाते हैं, यानी इनका जो है भक्ति में बहुत ही ये भी माहिर थे,
और विश्व गुरु भी कहलाते हैं। अपनी शिक्षाओं और प्रीचिंग्स जो उपदेश कहा जाता है, सभी सीमाओं से परे जाना और कर रहे हैं, सार्वभौमिक और अनंत हैं। तो देखिए, इनके कायक वे कैलाश, जो कन्नड़ में कहा गया है, कायक ही कैलाश है, यानी कार्य करते रहना ही, अच्छे कार्य करते रहना ही, यही स्वर्ग प्राप्ति का एक मार्ग है, ऐसे कहने वाले बसवेश्वरा विश्व गुरु बसवेश्वर। वह एक महान मानवीय था, मानवीय जो है, मानव के धर्म के लिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। गुरु बसवन्ना जी जिसमें परमात्मा अनुभव जीवन लिंग, यानी इनका परमात्मा जो अनुभव है, इन्होंने एक लिंग के द्वारा, लिंग जो है इसीलिए लिंगायत धर्म का इन्होंने स्थापना की, जाति और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने का केंद्र था। जीवन की एक नहीं तरह की वकालत की, देखिए वकालत नहीं तरह की, यानी नया कैसे किया, यह मूलतः ये ब्राह्मण परिवार में पैदा होते हैं, इनका जन्म हुआ तो जानीव जो पहनते हैं, ब्राह्मण जो समाज में जो है जानीव पहना जाता है, इनको यह अटपटासा लगा, ये क्या पहनना है, इनको अच्छा नहीं लगा तो उसे तिरस्कार किया इन्होंने, और उस ब्राह्मण समाज से इन्होंने बाहर आकर अपने ही विचार सिद्धांत से एक नया धर्म का स्थापना किया, वही लिंगायत धर्म है। और इसीलिए वकालत जो है नयापन का है इन्होंने किया है। अपने आंदोलन के पीछे आधारशिला परमेश्वर के एक सार्वभौमिक अवधारणा में दृढ़ विश्वास था। इन्होंने ज़्यादातर जो है, जैसे कबीरदास अमूर्त राम का उन्होंने आराधना किए है, उसी प्रकार यहाँ पर बसवेश्वर ने शिवजी की बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर जो है इन्होंने आराधना किए है। गुरु बसवन्ना मोनोथेस्टिक्स यानी निराकार भगवान की अवधारणा के एक समर्थक हैं। देखिए, इन्होंने भगवान को जो है मूर्ति के रूप में, जो अमूर्त रूप को स्वीकार किया है, और लिंग इनका जो आराध्य है, यह लिंग की स्थापना करते हैं, जो लिंग जो है लिंगायत धर्म में पवित्र माना जाता है, और इन्होंने मूर्ति खंडन जो है इन्होंने भी किया हुआ है। तो ऐसे गुरु बसवन्ना जी विश्व गुरु माने जाते हैं। अपने समाज सुधारक किस प्रकार किया है इन्होंने भी, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कबीरदास हो उसी प्रकार मीराबाई हो, वैसे ही बसवन्ना भी जो है दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार बसवन्ना कर्नाटक के 12वीं सती के संत और शरण थे। देखिए, कर्नाटक में जन्मे ये 12वीं सती के एक संत और शरण माने जाते हैं। इन्होंने भी जो कबीरदास जो हैं, उन्होंने भी आडंबर हो या धर्म में कुछ सुधार लाने की कोशिश जो है जैसे किया है, पहले यही हो गए हैं। तो कर्नाटक में जो है, दक्षिण भारत में बसवन्ना जी जो समाज सुधार का काम जो है उन्होंने किया है। उनके वचन भक्ति परक ही नहीं, केवल भक्ति परक ही नहीं, सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होने का एक का संदेश भी देते हैं। यहाँ पर एकता का जो है यहाँ पर गुणगान हुआ है, भेदभाव से मुक्त यहाँ पर दिलाया है। मैं आगे इनके उदाहरण बताऊंगा किस प्रकार भेदभाव थे, जैसे चार वर्ण थे, जो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ऐसे चार यहाँ पर जो वर्ण थे उनका भेदभाव था पहले से ही, तो उसे भेदभाव को इन्होंने मिटाया। उनके उपदेश सबके लिए हैं और सबके उद्धार के लिए हैं। जैसे आपको कबीरदास के जो दोहे हो,
दोहों में वही सुधारक के जो उपदेश के जो संदेश मिलते हैं इनके भी वचनों के द्वारा, जैसे कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, उसी प्रकार बसवन्ना जी के वचन जो हैं, यह सब वचन जो हैं उपदेश सबके लिए और सबके उद्धार के लिए इन्होंने किया हुआ है। तो जैसे कबीरदास हो या मीराबाई के पद व दोहे हो, उसी प्रकार बसवन्ना जी के जो हैं यहाँ पर वचन कहलाते हैं। तो बसवन्ना जो है, इन्हें बसवन्ना भी कहा जाता है। इनका जन्म देख लिया, जो बीजापुर जिले में ही इनका जन्म हुआ था। तो अब हम इनके वचन, पहला वचन है उसे हम अब देखेंगे, जो इस प्रकार है। चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ कभी ना बोलना भैया, क्रोध न करना, घृणा न करना, अपना बकान कभी न करना, दूसरों की निंदा कभी ना करना, अंतर की शुद्धि यही है भैया, बाहर की भी शुद्धि यही है, रिजाने की रीति यही है हमारे कूडल संगम देवा देव को। तो इस प्रकार जो पहला वचन है उसका जो विस्तृत अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज आपने जो है बसवर्णा जी के जो उनके जन्म के बारे में हो, उनके विचारधारा के बारे में आपने आज जो है विस्तृत अध्ययन किया है। जो है जैसे उत्तर भारत में कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में जो है बसवन्ना जी, इनके दो जैसे इनके वचन के द्वारा जो है समाज के भेदभावों को जो है इन्होंने सुधारा है और आडंबर को इन्होंने तीखा चोट पहुंचाया है, और जो है समाज को जो सुधारना के लिए बहुत ही इन्होंने परिश्रम जो है कष्ट जो है किए हैं। इस प्रकार जो समग्र हमने इनके बारे में जानकारी हासिल की, और भी बहुत सारे विषय हैं जो हम बताने के लिए बहुत समय चाहिए, तो इनके बारे में हम पहले जान लिया आज। तो कल इनके वचनों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए।